हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मलाई रोल कुल्फ़ी। गर्मियां चल रही हैं, गर्मियों में सभी का कुल्फ़ी खाने का मन करता है, और अगर घर बैठे आपको चार फ्लेवर की कुल्फ़ी बिना किसी मेहनत के खाने को मिल जाए तो बात ही क्या है। तो आज हम बनाएंगे चार फ्लेवर की मलाईदार गाढ़ी मलाई रोल कुल्फ़ी। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में डाला है 1 लीटर फुल फैट मिल्क। अब इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ऐसे ही बॉयल होने देना है। अगर आपके पास फुल फैट मिल्क नहीं है तो आप इसमें 1 कटोरी मलाई भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, इसलिए इसमें मैंने मलाई ऐड नहीं करी है। अब इसको हमें ऐसे ही बॉयल होने देना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। अब यहाँ पर मैंने लिया है 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, और इसमें से थोड़ा सा गर्म दूध डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको डायरेक्ट आप मिल्क पाउडर को दूध में ऐड ना करें, नहीं तो इसमें गांठ पड़ जाएगी। तो पहले इसे अलग आप कटोरी में अच्छे से मिक्स कर लें, और इसके बाद इसको हमें दूध में मिक्स कर देना है। और दूध में मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से हमें चला लेना है, और फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर इसे ऐसे ही हमें बॉयल होने देना है। तो अब आप देख सकते हैं जो दूध है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। अब इसमें ऐड कर दिया है 1 कप चीनी, और फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दिया, और धीमी आंच में इसे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक इसी तरह पका लें। और जब इसमें एक बॉयल आ जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, और कॉर्नफ्लावर को भी हमें डायरेक्ट दूध में ऐड नहीं करना है, नहीं तो इसमें गांठे पड़ जाएंगी। तो इसको भी मैंने एक अलग कटोरी में डाल करके और थोड़ा सा गर्म दूध डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है पहले, और फिर इसके बाद इसे दूध में मिक्स कर दिया है। तो इस तरह से इसमें गांठे भी नहीं पड़ेंगे और जो कॉर्नफ्लावर है वो अच्छे से दूध में मिक्स हो जाएगा। और दूध में डालने के बाद अब इसको हमें लगातार चलाना है जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए दूध में। तो धीमी आंच में इसे इसी तरह से लगातार चलाते रहिए, और जो साइड में मलाई जमती है उसे स्क्रैप करके वापस से दूध में मिक्स कर दीजिए। तो ये जो हमारा मिक्सर है, ये इस एक मिक्सर से हम सारे फ्लेवर की कुल्फ़ी बनाएंगे, और इसे हमें ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसमें फ्लेवर के लिए मैंने 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है, और ये हमारा मिक्सर हो गया है बिल्कुल तैयार। तो मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है बंद, और इसको ट्रांसफ़र कर लिया है एक अलग बोल में। अब ये जो मिक्सर है ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आ गया है, तो यहाँ मैंने लिया है 15 से 16 भीगे हुए काजू। इसको 10 मिनट पहले सोख करके रख दें और फिर इसको यूज़ करें। इसको मैंने मिक्सी के जार में डाला है, और फिर ये जो हमारा मिक्सर है इसमें से 1 या 1.5 कप के करीब इसमें डाल करके इसको अच्छे से हमें ग्राइंड कर लेना है। और यहाँ मैंने इस तरह की ये पेपर ग्लास ली है, और इसमें डाल करके अब इसको हमें जमने के लिए रखना है। तो इसी तरह से हमें चार फ्लेवर की कुल्फ़ी बनानी है। तो ये हमारी काजू वाली कुल्फ़ी हो गई है तैयार। यहाँ पर मैंने भीगे हुए पिस्ता लिया है, इसे भी ग्राइंडिंग जार में डाला है, और 1 से 1.5 कप इसमें ये मिक्सर डाल करके और थोड़ा सा इसमें ग्रीन फूड कलर डाल दिया है, और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो ये हमारा पिस्ता रोल भी हो गया है तैयार। इसको भी मैंने पेपर कप में ट्रांसफ़र कर दिया है। और तीसरी जो फ्लेवर की हमारी आइसक्रीम है वो है मैंगो फ्लेवर। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश मैंगो, 1 मैंगो मैंने लिया है, इस तरह से पीसेस में इसे कट कर लिया है, और इसे डाल करके इसमें डाल दिया है 1.5 कप ये मिक्सचर, और इसे भी ग्राइंड कर लिया है। अगर आपके पास पेपर कप ना हो तो आप घर में जो कटोरी होती है या ग्लास होती है, या अगर आपके पास कुल्फ़ी मोड हो तो आप उसमें भी ये कुल्फियाँ जमा सकते हैं। तो ये हमारी मैंगो फ्लेवर की कुल्फ़ी हो गई है तैयार। अब जो चौथी और आखिरी कुल्फ़ी है हमारी वो है गुलकंद कुल्फ़ी। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच गुलकंद, और जितना मिक्सर है इसे डाल करके अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो इस तरह से आप एक ही मिक्सर से कई सारे फ्लेवर की कुल्फियाँ बना सकते हैं। आप इसमें चॉकलेट डाल करके चॉकलेट कुल्फ़ी भी बना सकते हैं। तो यहाँ चारों फ्लेवर की हमारी कुल्फ़ी हो गई है तैयार। तो अब इसको मैंने क्लिंग फिल्म से अच्छे से रैप कर दिया जिससे इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल ना पड़े। अगर आपके पास क्लिंग फिल्म ना हो तो आप एल्युमिनियम फॉयल से भी इसे कवर कर सकते हैं, पर इसको कवर ज़रूर करिएगा जिससे इसमें आइस क्रिस्टल ना पड़े। अब इसको हमें फ्रीज़र में रखना है 8 से 10 घंटे के लिए, या ओवरनाइट के लिए भी आप रख सकते हैं। और रखते समय इसके नीचे ट्रे ज़रूर रखें जिससे ये जो पेपर कप हैं ये फ्रीज़र में चिपके नहीं। तो अब इसको मैंने रख दिया है फ्रीज़र में, और ये देखिए ओवरनाइट के बाद ये जो हमारी कुल्फ़ी है कितने अच्छे से सेट हुई है। तो अब आपको बाज़ार से कुल्फ़ी लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में रखे इंग्रेडिएंट्स के साथ आराम से आप मिनटों में ये कुल्फ़ी बना सकते हैं, और पूरी गर्मी आप ठंडी ठंडी कुल्फ़ी का मज़ा ले सकते हैं घर बैठे। तो यहाँ पर जितनी भी कुल्फ़ी हमने जमाई है उसे इस तरह से मैंने पेपर ग्लास से रिमूव कर दिया है, और ये देखिए सब इसके जो फ्लेवर है और ये जो कलर है देखने में ही कितनी सुंदर लग रही है, खाने में तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। तो ये देखिए मैंने इसको कट किया है, ये कितना स्मूथली कट हो रही है, बहुत ही मलाईदार गाढ़ी कुल्फ़ी बन करके हो गई है तैयार। तो इसको ठंडा ठंडा सर्व करिए आप, और इस कुल्फ़ी को आप कुल्फ़ी प्लेटर भी बोल सकते हैं। तो इसे ट्राई ज़रूर करिएगा,
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।